गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर तक जीटी रोड पर कई गांव बसे हैं, लेकिन ये गांव बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि ये मायावती का गांव है। और फिलहाल हम मौजूद हैं मायावती के घर के सामने, जो घर कम किला ज़्यादा नज़र आता है। यहां पर हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, मायावती का गढ़ है ये, घर है, यहाँ पर हर कोई मायावती और बहन जी को ही अपना वोट देना चाहता है। आपको क्या लगता है, अभी भी गाँव में दिक्कतें क्या है, समस्याएँ क्या है? गांव में तो बहुत सारी दिक्कतें विकास के बारे में, बेरोजगारी बहुत कम है और ज़मीन जो अधिग्रहण की गई थी उसमें किसानों को कुछ नहीं मिल पाई और रहने के लिए मकान नहीं किसी के पास, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, शिक्षा का अभाव बहुत कम है और जो औद्योगिक के लिए ज़मीन ली गई उसमें कोई विकास नहीं हुआ। और विधायक जी कितनी बार आते हैं? विधायक जी तो कभी कभी आते हैं, जब उनकी मीटिंग होती है कुल्ला करने, कहीं आगे नहीं, वैसे कोई विधायक को नहीं आते और कोई नहीं आया आज तक। और अगर ये माना जाए कि आप अपना कीमती वोट किसको देंगे इस बार के चुनाव में, क्योंकि हर किसी की उम्मीदें होती हैं चुनाव से अपनी अगली सरकार से। देखो, देश को राष्ट्र के नाम देना है तो वोट मोदी जी को जानी है और उत्तर प्रदेश में विकास करना है तो बहन जी को देनी है। जो वोट है, वोट तो हम हमारी मजबूरी है, मायावती को देते हैं, लेकिन मायावती तो विकास यहाँ नहीं करती है। क्या लग रहा है, विकास हुआ है? विकास हुआ है जी, यहाँ पे कॉलेज वगैरह बने हैं, मायावती ने जो भी अपने कॉलेज बनवाए हैं, स्कूल वगैरह, अस्पतालों को करवाया है, तो बढ़िया सुविधा करी है एकदम बहन जी ने। बच्चियों की पढ़ाई और महिलाओं की सुरक्षा, ये सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा हो जाता है जब चुनावी वक्त आता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी हैं। किस क्लास में बेटा आप पढ़ती हैं? टेंथ क्लास में। यहाँ पर पढ़ाई की किस तरह की व्यवस्था है, मतलब स्कूल में टीचर सही वक्त पर आते हैं, पढ़ाते कैसे? यस जी, बहुत अच्छी सुविधा की है बहन जी ने हमारे लिए, सब कॉलेज बनवाए हैं, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बहन जी के साथ हैं। काम धाम चाहिए और का बस यही सुरक्षा रहने। ये काम धाम आपको आसानी से मिल जाता है? हाँ, अभी तो कहीं ना मिल रहा, जब से हार गई, जब से ऐसे कहीं ये गांव कर रहा है, कहीं वो गांव कर रहा है, कहीं कमाई भी नहीं है, जो कम महीना 15 दिन बैठे रहे। कैमरा पर्सन इमानुअल के साथ किरण सिंह, बादलपुर।